स्टूडेंट्स वेलकम टू द चैनल एंट्रेंस एग्जाम गाइड। सो फ्रेंड्स, आज हम इस स्टूडियो में बात करने वाले हैं एनसीट यूजी एंट्रेंस टेस्ट के बारे में। आज हम इस स्टूडियो में एनसीट यूजी एंट्रेंस टेस्ट के बारे में हर एक डिटेल इन्फॉर्मेशन डिस्कस करेंगे, लाइक इसका जो है फुल फॉर्म क्या है, किसके द्वारा एग्जाम कंडक्ट करवाया जाता है, इसकी ऑफिशियल अथॉरिटी कौन है, इस एग्जाम को क्लियर करके क्रैक करके तो आपको कौन से कोर्सेज में एडमिशन मिल सकता है, हर एक चीज फुल डिटेल में डिस्कस करेंगे आज हम इस वीडियो में। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ जो बेल आइकन बटन है उसे दबाना ना भूले, ताकि अगर इन फ्यूचर एनसीट यूजी में अगर कोई भी चेंजेस होते हैं या फिर कोई भी इसका अपडेट या नोटिफिकेशन आता है तो हम आपको वीडियो के माध्यम से अपडेट कर पाएंगे, आपको नोटिफाई कर पाएंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम स्टार्ट करते हैं एनसीट यूजी एंट्रेंस टेस्ट के बारे में और डिटेल में जानना। सो गाइस, सबसे पहले अब यहाँ पे हम एनसीट यूजी का फुल फॉर्म देखेंगे। एनसीट यूजी स्टैंड्स फॉर नेताजी सुभाष इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, जो कि एक नेशनल लेवल एंट्रेंस एग्जाम है, यानी कि ऑल ओवर कंट्री से स्टूडेंट्स एग्जाम के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और ये एंट्रेंस एग्जाम कंडक्ट करवाया जाता है ज्वाइंट एडमिशन काउंसिलिंग दिल्ली जैक के द्वारा, ये एंट्रेंस एग्जाम कंडक्ट करवाया जाता है। अगर आप इस एंट्रेंस एग्जाम को क्लियर करके क्वालिफाई करते हैं तो गाइस आपको जो है वेरियस जो है कोर्सेज में एडमिशन मिल सकता है अंडर द फील्ड ऑफ इंजीनियरिंग, और लाइक बीटेक हो गया, और आपको जो है इन सारे के सारे कोर्सेज में एडमिशन मिलने के लिए आपको जो है जैक के द्वारा लास्ट में आपको वेरीफाई किया जाएगा। वेरीफाई अगर आप हो जाते हैं काउंसलिंग प्रोसीजर में तो उसके बाद गाइस आपको जो है एनसी ट्रिपल आईटीडी डीटीयू आईजीडीटीयू डब्ल्यू ये सारे के सारे जो है इंस्टीट्यूट में आपको आसानी से एडमिशन मिल सकता है। अब गाइस इसके लिए अप्लाई करने के लिए कुछ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो कि आप लोगों का सेटिस्फाई करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, लाइक आप लोग जो है 12th और 10th 12th पास आउट रहने चाहिए किसी भी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी या बोर्ड के द्वारा, लाइक ICSE CBSE के द्वारा किसी से भी कहीं से भी आप जो है 10th 12th पास आउट रहने चाहिए। साथ ही साथ आपको 12th में साइंस स्ट्रीम सेलेक्ट किया हुआ रहना चाहिए विथ फिजिक्स केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स, ये तीन सब्जेक्ट कंपलसरी आपने रहने चाहिए। और आप अगर जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो आपके जो है 60% मार्क्स आए हुए रहने चाहिए 12th स्टैंडर्ड में। और रिजर्व कास्ट के लिए गाइस कुछ जो है मतलब रिलैक्सेशन रहेगा, परसेंटेज रिलैक्सेशन देगा दिया जाएगा जो रिजर्व कास्ट से बिलोंग करते हैं उन स्टूडेंट्स को। सो गाइस, आई होप कि अभी आप लोगों को एनसीट यूजी एंट्रेंस टेस्ट के रिगार्डिंग कुछ भी डाउट नहीं होगा। अगर फिर भी कोई डाउट है या और कोई डिटेल्स आपको जानने तो आप सिंपली जो है डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल की लिंक आपको दी गई है, आप वहाँ पे मुझे अपना प्रॉब्लम बता सकते हैं, मैं ज़रूर आपकी मदद करने की पूरी पूरी कोशिश करूंगा। और अगर ये वीडियो अच्छा लगा, इस वीडियो के माध्यम से हेल्प हुई है, वीडियो नॉलेजेबल रहा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और हाँ बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें। थैंक यू फ्रेंड्स एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फ्यूचर।